अच्छा कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? मुझे तो फयाज अंकल ने बताया। देहान कहाँ था तुम्हारा? कोई बड़ा नुकसान हो जाता तो? नुकसान तो हो चुका है, इतना बड़ा नुकसान जिसका कफारा नामुमकिन है। कैसी बातें कर रही हो? लोगों को तो मेरी मेरी जाहिरी चोट नजर आ रही है ना, कि मेरे दिल के अंदर तो तबाही हो गई है, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। क्या मतलब? समझी नहीं। मैं ठीक कह रही हूँ? जिस शख्स पे मैंने सब कुछ लुटा दिया था ना, मेरी बहन का, उसने कत्ल किया मेरी बहन को। इफ्रा, हो सकता है तुम्हारी गलतफहमी। मेरी गलतफहमी नहीं है, ये हरकत की है उसने, उसने मारा है मेरी बहन को। अगर मुझे सब पहले से पता होता ना, तो मैं कभी भी उससे शादी नहीं करती। मैं बेवकूफ थी, इतना अरसा उसके साथ रही, मैं बीवी थी मैं उसकी। उसने कत्ल किया है मेरी बहन को, कोई आम बात नहीं, उसने कत्ल किया है, वो कातिल है मेरी बहन का। और तुम्हें ये सब कैसे पता? हमारी मेड ने, जिसने दीद गवाही इस वाकये की, उसे सब देखा है। इफ्रा, फयाज अंकल को तो कुछ नहीं बताया ना तुमने? किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, जो करना होगा मैं खुद करूंगी। हाँ, मैं खुद करूंगी, जो भी करना होगा कर लूंगी मैं। अच्छा, परेशान मत हो, मैं चल। वो बिल बिल पे कर दिए मैंने, रूम खाली करना, चले। हाँ, मैं आ जाऊंगी। बाहर इंतजार कर। अच्छा, परेशान नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चेंज कर लो। ख्वाहिश है बुनती दर्द की दुहाई, सारी इश्क की सजा थी। किसे फोन कर रहे हैं? आशिक को फोन कर रहा हूँ कि वो राशिद आ जाएगा नहीं फैक्ट्री। हाँ आशिक, वो राशिद साहब आएंगे नहीं आज, ध्यान रखना सब तुम, ठीक है? उन्हें काम है जरूरी। क्या, कब? ठीक है। क्या हुआ? वही हुआ जिसकी उम्मीद आपके लाडले सपूत से की जा सकती थी। अरे बताइए तो सही, हुआ क्या है? अरे सारी मशीनें बेच दी उसने और पैसे किसी औरत पर लुटा दिए, किसी स्टेज डांसर पर। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ। शायद मैं धोखे पे आ गया कि मेरा बेटा सुधर गया, उसने बदल लिया खुद को, या इफ्रा ने सुधार दिया उसे। लेकिन नहीं, औरत कोई साबुन तो नहीं होती जो मर्दों में पड़ी बरसों की गलाजत को धो दे। तो मुफ्तार साहब, अब क्या होगा? क्या होगा, मैं क्या बताऊं क्या होगा? इफ्रा की मेहरबानी होगी अगर वो राशिद के साथ रहने पर राजी हो जाए, क्योंकि अभी उफरा को देने के लिए हमारे पास कुछ है तो नहीं, ना रुपया, ना पैसा, ना जायदाद, और ना नेक वफादार बेटा। ले देखिए, घर रह गया, ये भी किसी दिन बेच के उड़ा देगा किसी औरतों को। और तुम भी खुदा के वास्ते अपने रवैये में लचक पैदा करो, बिला वजह का महाज बनाने की जरूरत नहीं है इफ्रा के खिलाफ। बहू नहीं बेटी समझो उसे अपनी, इसी में हम सबकी बेहतरी है। Thank you.
इमराबाजी के साथ अच्छा नहीं हुआ, बहुत अच्छी थी। आशी साहब ने उनको इतनी बुरी तरह से धक्का दिया था कि बस, और सब ने ये मशहूर कर दिया कि उनका पैर फिसल गया है, उनके साथ अच्छा नहीं किया, इसके लिए तो उनके ऊपर कत्ल का केस बनता है।